हे वेलकम गाइस, एक और नया फ्रेश वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट बुबाई और आप देख रहे हैं बीटेक रिव्यू यूट्यूब चैनल। गाइस, आप सभी लोगों ने हेडफोन या फिर ईयरफोन का यूज़ तो करते ही होंगे। तो ईयरफोन में अगर आप नोटिस किया होगा कि कुछ कुछ ईयरफोन में आपको कुछ काट्स देखने को मिलता है या फिर रिंग्स देखने को मिलता है जैक पर, जो कि कोई कोई हेडफोन में दो रिंग्स दिखते हैं, कोई कोई हेडफोन में या फिर ईयरफोन में तीन रिंग्स दिखता है या फिर और कोई कोई हेडफोन में एक रिंग्स भी दिखता है। तो ये रिंग्स का क्या वजह है और इसका क्या यूज़ है, तो ये क्या अलग अलग गम में किस तरीके से यूज़ होता है, तो ये सारे आपको जानकारी मिलेगी इस वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो को आप लोग बिना स्किप करते हुए पूरा शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखिए पूरा जानकारी के लिए। वीडियो शुरू करने से पहले आप अगर इस चैनल पर भटकते भटकते आ गए हो तो आप वो जो रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है उसको प्रेस करके सब्सक्राइब कर दीजिए और BTR फैमिली में ज्वाइन हो जाइए और साथ में जो बेल आइकन है उसे ही प्रेस कर देना। तो चलिए बिना वक्त गवाए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, जनरली हम लोग जितने सारे ईयरफोन्स या फिर हेडफोन्स यूज़ करते हैं तो आप अगर जैक के ऊपर ध्यान दोगे तो आप नोटिस करोगे कि किसी किसी ईयरफोन्स में आपको टोटल दो रिंग्स या फिर दो काट देखने को मिलता है, किसी किसी में तीन रिंग्स या फिर तीन काट देखने को मिलता है और किसी किसी में सिंगल रिंग्स या फिर मोनो जो एक रिंग्स आपको देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम ये जो सिंगल रिंग्स होता है एक रिंग का या फिर एक कट का बारे में। तो जो एक कट वाला या फिर एक रिंग्स वाला आपको ईयरफोन देखते हैं उसको बोलते हैं हम लोग मोनो माइक्रोफोन या फिर मोनो ईयरफोन। तो आप लोग अगर देख सकते हो किसी किसी ईयरफोन के जैक के ऊपर आपको एक रिंग टोटल देखने को मिलता है उसको हम मोनो ईयरफोन बोलते हैं। तो मोनो ईयरफोन का काम क्या होता है, आप अगर मोनो ईयरफोन को यूज़ करके कोई भी साउंड रिकॉर्ड करते हो तो आप जो अब उसके ईयरफोन या फिर हेडफोन के द्वारा सुनोगे तो आपको सिर्फ एक साइड में सुनाई देगा, राइट कानों में सुनाई देगा या फिर लेफ्ट कानों में, मतलब किसी एक तरफ आपको सुनाई देता है। तो मोनो साउंड का मतलब क्या हुआ, आपको सिर्फ एक साइड में सुनाई देता है। तो आप लोग समझ गए होंगे कि ये सिंगल स्कर्ट्स या फिर सिंगल रिंग्स का क्या यूज होता है और क्या डिफरेंट है। अब हम बात करते हैं डबल रिंग्स की या फिर डबल कट की। तो आप लोग जितने सारे डबल कट वाला ईयरफोन जैक देखे होंगे या फिर हेडफोन जैक देखे होंगे उसमें आपका क्या काम होता है, आपको उस ईयरफोन के वजह से आपको उस टाइप की ईयरफोन के वजह से आपको दोनों तरफ अच्छा से सुनाई देता है, मतलब दोनों तरफ आपको साउंड प्रोड्यूस करता है। आप अगर उस टाइप का जैक यूज़ करके कोई भी साउंड रिकॉर्ड करता है या फिर ईयरफोन जितने सारे ईयरफोन बेसिकली होता है तो आप लोगों को उसी जैक के वजह से अच्छा से साउंड क्वालिटी सुनाई देता है, मतलब जो स्टूडियो माइक होता है सबसे ऊपर का जो पार्ट होता है वो लेफ्ट कानों के लिए होता है और जो सेकेंड जो रिंग्स के फर्स्ट रिंग्स के बाद जो सेकेंड पॉइंट आता है वो आपको राइट कानों के लिए होता है। तो जो स्टूडियो माइक या फिर जो स्टूडियो ईयरफोन होता है उसमें आपको टोटल दो काट सीखने को मिलता है। अब गाइस बात करते हैं तीन काट या फिर तीन रिंग की ईयरफोन या फिर हेडफोन की। तो जो आप लोग बेसिकली जो हम लोग स्मार्टफोन या फिर जो बेसिकली जनरली यूज़ करते हैं उसमें आपको आप अगर नोटिस करोगे तो आपको देखने को मिलेगा तीन काट रहता है। तो ये तीन काट का या फिर तीन रिंग्स का मतलब क्या है, तो आप लोग अगर ध्यान से नोटिस करोगे कि ये तीन कट्स वाला जो माइक्रोफोन या फिर ईयरफोन होता है उसमें आपको इनबिल्ट एक माइक्रोफोन भी देखने को मिल जाता है, मतलब आपको स्टूडियो प्लस एक माइक्रोफोन का ऑप्शन भी मिल जाता है वो तीन कट्स वाला जो या फिर तीन रिंग्स वाला जो ईयरफोन जैक रहता है। सो गाइस, इसका यूज़ कैसे होता है, जो ऊपर वाला पार्ट रहता है जो टॉप पे रहता है वो आपको लेफ्ट कानों के लिए होता है और जो फर्स्ट रिंग के बाद सेकेंड पॉइंट आता है वो आपका राइट कानों के लिए होता है और जो सेकेंड कट के बाद आपको थर्ड पॉइंट आता है वो आपको ग्राउंड के लिए होता है और जो थर्ड कट के बाद फोर्थ पॉइंट आता है वो आपका जो माइक रहता है ईयरफोन या फिर हेडफोन में उस माइक के लिए होता है। सो दोस्तों, आप अगर तीन कट्स वाला या फिर तीन रिंग्स वाला जो ईयरफोन या फिर हेडफोन यूज़ करते हो तो आपको वहाँ पर एक माइक का ऑप्शन भी मिल जाता है। सो गाइज, आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे कि ये रिंग्स का क्या मतलब होता है। हम लोग जो ईयरफोन माइक्रोफोन या फिर हेडफोन यूज़ करते हैं ये सारे का सारे प्रोसेस वो जो रिंग्स होता है इनकी वजह से ही होता है। तो हम लोगों को जो अच्छा साउंड क्वालिटी प्रोड्यूस करता है या फिर अच्छा माइक मिल जाता है ये सारे कुछ उस रिंग्स की वजह से ही होता है। और इन सारे ईयरफोन या फिर हेडफोन का जैक को भी टोटल दो टाइप में डिवाइड कर दिया है, एक है सिल्वर प्लेटेड जैक और एक है गोल्डन प्लेटेड जैक। तो आपका जो गोल्डन प्लेटेड जैक होता है उसमें आपको अच्छा कनेक्टिविटी प्रोड्यूस करता है, मतलब जो आप अगर कोई भी माइक्रोफोन या फिर ईयरफोन परचेस करते हो तो अगर आपका गोल्डन प्लेटेड जैक होगा तो उसमें आपका अच्छा कनेक्टिविटी मिलेगा। दोस्तों, आई होप आप सभी को सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। तो इसके बाद आप अगर कोई भी माइक्रोफोन या फिर ईयरफोन या फिर
नेक्स्ट फोन परचेस करने के लिए जाते हो तो आपको इजी में पता चल जाएगा कि आपके लिए कौन सी माइक्रोफोन या फिर ईयरफोन बेस्ट रहेगा, क्योंकि आपका सारे डाउट क्लियर हो गए होंगे। सो गाइस, इस वीडियो के थ्रू आपको कुछ जानने के लिए मिला या फिर सीखने के लिए मिला तो आप जरूर लाइक कर देना, क्योंकि आपका एक लाइक बहुत मोटिवेट करता है वीडियो बनाने में। अगर अभी तक कुछ भी सुझाव या फिर सवाल है तो नीचे कमेंट कर सकते हैं, और आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ ये वीडियो शेयर भी कर दीजिए ताकि उन्हें भी इस इन्फॉर्मेशन पता चले और क्या काम होता है इन सारे जैक्स की, जो अलग अलग पार्ट है इनके बारे में पता चले। और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ में जो बेल आइकन है उसे ही प्रेस कर देना ताकि नेक्स्ट टाइम जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको साथ ही साथ पता चल जाए। और आप हमें इंस्टा, फेसबुक या फिर ट्विटर में फॉलो करना चाहते हैं तो सारे डिस्क्रिप्शन पर लिंक दिया हुआ है, आप चाहे तो फॉलो कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले और एक नए एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।